हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं एक फ्राइड राइस बनाने वाली हूँ। बहुत सिंपल एंड क्विक रेसिपी है, इसमें किसी भी तरह के सॉस मैंने यूज़ नहीं किया है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, मेरे चैनल पे कोई नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो एंड तक देखना मत भूलिए। मैंने यहाँ पे 5 अंडे लिए हैं, उसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ और इसको अच्छे से बाइट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, थोड़ा बड़ा पैन लिया है, उसमें थोड़ा तेल डाल रही हूँ। तेल गरम होने के बाद जो अंडे हमने बाइट करके रखा है वो इसमें डाल दीजिए। इसको मिलाते हुए फ्राई कर लीजिए। ऑमलेट जैसा नहीं बनाना है, इसको पूरा पीसेस में बनाना है। अंडे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब इसको दूसरे प्लेट में सर्व कर लेंगे। मैंने यहाँ पर वही पैन लिया है और उसमें थोड़ा सा बटर डाल रही हूँ और थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। बटर मेल्ट होने के बाद इसमें 4 से 5 हरी मिर्ची छील के छोटे टुकड़े करके इसमें डाल दिया है मैंने। मैंने यहाँ पे एक प्याज लिया है, उसको लंबे और बारीक पीसेस में काट कर डाल रही हूँ। प्याज और हरी मिर्ची दोनों को अच्छे से फ्राई कर लीजिए। प्याज थोड़ा गोल्डन कलर आने के बाद 1 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छे से फ्राई कर लीजिए। Thank you.
अब इसमें स्प्रिंग ऑनियंस डाल रही हूँ। अगर आपके पास स्प्रिंग ऑनियंस नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए। इसको थोड़ा सा फ्राई होने के बाद, ऑलरेडी हमने अंडा को फ्राई करके रखा है, वो इसमें डाल देंगे। इसको थोड़ी देर पकाने के बाद, इसमें ऑलरेडी मैंने खाना पका बना के रखा है तो खाना इसमें ऐड कर रही हूँ। खाना ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिलाते हुए पकाना है। मैं इसको अच्छे से मिलाते हुए फ्राई कर लिया है। अब इसमें 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। आप आपके टेस्ट के अनुसार कम कर सकते हैं। और इसमें 1 टीस्पून मिर्ची डाल रही हूँ। आप स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा मिर्ची डाल लीजिए। और नमक और मिर्ची अच्छे से मिलाते हुए इसको फ्राई कर लीजिए। पूरा अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें मैं 1/2 टीस्पून चिकन मसाला पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है चिकन मसाला पाउडर तो स्किप कर दीजिए। अब इसमें 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डाल रही हूँ। सारे मिक्सचर को लो फ्लेम रख के अच्छे से फ्राई करते हुए मिलाते हुए पका लीजिए। आखिरी में थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर रही हूँ मैं। हमारा एग फ्राइड राइस ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। थोड़ा सा फ्राई करके फ्लेम ऑफ करके अब दूसरे बाउल में सर्व कर लेंगे। आई होप आपको मेरा रेसिपी पसंद आया होगा। आप भी घर में ट्राई करिए और आपके फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।